है फुर्सत के रात दिन। I worked as principal of PG colleges for more than 16 long years. जहाँ फिलहाल हम अपने बेटे के साथ रहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर है। पिछले 3-4 महीने से जब से मेरा एस्मा एक्यूट हुआ है नीचे उतरने में तो दिक्कत नहीं है लेकिन ऊपर चढ़ने में मेरी ब्रेथलेसनेस हो जाती थी। तो वही एक पॉइंट था जबकि हमें डिसाइड करना पड़ा कि वी हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव। तो बड़ा शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को फादर के जो स्टेप उन्होंने लेने जा रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं। हम ग्राउंड फ्लोर और लिफ्ट के प्रोविजन के साथ में और भी कुछ सर्च कर रहे थे। एक अंदरूनी एक हसरत पैदा हुई कि अब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हमें जाना चाहिए। यहाँ आए हम, यहाँ का एम्बियंस हमने देखा, महसूस किया, उससे हम प्रभावित हुए। पर जब उन्होंने परचेज करने से पहले उस सब के बारे में बताया, आने के बाद में जब एक एनवायरनमेंट देखा, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अच्छा ट्रैक जहाँ पे वो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत जॉगिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कैंपस में ही मंदिर, तो उस चीज़ ने थोड़ा सा मेरे को सोचने पे मजबूर किया। लेकिन अल्टीमेटली हमने अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों से जो सलाह मशवरा की, हमें यही महसूस हुआ कि शायद यही जगह हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। बस हमने यही सोच लिया कि कंपनी भी मिल जाएगी यहाँ पर, एज ग्रुप इंसान पसंद करता है, बच्चों का थोड़ा टेस्ट ज़रा सा यंग एज में कुछ और होता है, ओल्ड एज में कुछ और होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने ऐसा सोचा था। यहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी देखी, अपना एनवायरनमेंट देखा, जिस चीज़ ने मेरे को भी थोड़ा सोचने पे मजबूर किया कि ये एक उनका डिसीज़न जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उस सब मैं अगर ये कहूँ कि ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है, सर्टेनली ओल्ड एज कॉन्सेप्ट तो नहीं है। यस, एक अपनी जिंदगी बड़े ग्लैमरस वे में और बड़े हेल्दी वे में जीने का एक जगह ज़रूर है। यहाँ आने से पहले 10 बार सोचा जाता है, हमने भी सोचा था यहाँ आएँ या ना आएँ, लेकिन आने के बाद में तो यहाँ स्वर्ग से भी बेहतर एटमॉस्फियर है।